हेलो स्टूडेंट्स क्या हाल चाल हैं आप लोगों के उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर सिक्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट टू का इंट्रोडक्शन राइट है तो आज इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर बहुत ही प्यारा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है इनक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या बच्चों इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन तो बेसिकली इनका क्या कॉन्सेप्ट है किन फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं कब कहते हैं किस इंटरवल में कहते हैं तो ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है मैथमेटिकली इसका क्या बेसिकली uh, अप्रोच है सॉल्व करने का फाइंड करने का इन सभी के ऊपर हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर और ये बेसिकली वन ऑफ दी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है यानी कि ये क्योंकि हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को जो हम लोग चेक करेंगे या इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग डेरिवेटिव का इस्तेमाल करने वाले हैं दैट इज़ वाई ये हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर पढ़ रहे हैं यानी कि डेरिवेटिव के इस्तेमाल के अंदर पढ़ रहे हैं हम लोग ठीक है तो आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं विदाउट टेकिंग मच टाइम कि भैया इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का ये क्या कॉन्सेप्ट है ठीक है तो बहुत ही प्यार से देखेंगे बच्चों इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन थोड़ा पहचान के चलेंगे बच्चों है ना मैं आपको ग्राफिकली फील करा के चलूंगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में देखिए बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा अगर मैं एक सिचुएशन लू ठीक है और अगर आप यहां पे बहुत ही आराम से देखें क्या देखें बच्चों बहुत ही आराम से देखें कि यहां पे एक फंक्शन का ग्राफ लिया है मैंने यानी कि ये फंक्शन का ग्राफ है वाई इक्वल टू एफ एक्स ये फंक्शन का ग्राफ है तो बच्चों अगर आप लोग नोटिस करो तो x के बढ़ने पे y क्या कर रहा है बढ़ रहा है x के बढ़ने पे y क्या कर रहा है बढ़ रहा है ध्यान से देखो स्टूडेंट्स जब जब x के बढ़ने पे y बढ़ेगा जब जब x के बढ़ने पे y बढ़ेगा या फिर हम लोग यह भी कह सकते हैं कि x के घटने पे y घटेगा यह भी बोल सकते हैं लेकिन इसका बोलने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है है ना मतलब ये उल्टी बात तो कोई भी नहीं करता ना भाई है ना तो हम लोग सीधी बात ही करते हैं कि भैया x के बढ़ने पे अगर y बढ़ रहा है तो दिस इज द केस ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन ये केस है इंक्रीजिंग फंक्शन का ये कैसे बच्चों इंक्रीजिंग फंक्शन का यहां पे x के बढ़ने पे y क्या कर रहा है बढ़ रहा है अच्छा अब स्टूडेंट्स अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो हमने आपको एक बात सिखाई थी क्या सिखाई थी अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो हमने आपको एक बात सिखाई थी कि बेसिकली dy बाई डी एक्स क्या होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या देता है मान लो ये पॉइंट लेट्स से x1 y1 है और ये कोई कर्व है वाईक्वल टू एफ एक्स तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव हमें क्या देता है भैया मान लो डी हमें डेरिवेटिव क्या देगा स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा स्लोप ऑफ दी क्या देगा टेंजेंट देगा देता है बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है अच्छा अगर आपको ध्यान हो थोड़ा सा ग्यारहवीं क्लास आप लोग पढ़े हुए हो थोड़ा सा भी तो आपको ध्यान होगा कि इस तरह की जो लाइंस होती हैं यानी कि ऐसी लाइंस जो एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाती हैं इनका स्लोप पॉजिटिव होता है ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ एक्स एक्सिस के पैरल होती है ना ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरल होती है उनका स्लोप जीरो होता है और ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ ऑप्टूज एंगल बनाती है ऑप्ट एंगल बनाती है उनका स्लोप क्या होता है बच्चों नेगेटिव होता है ठीक है उनका स्लोप नेगेटिव होता है तो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें बहुत ही ध्यान से देखें तो आपको एक बात तो समझ में आ जाएगी कि यानी कि इस पर्टिकुलर ग्राफ की अगर हम बात करें देखो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन है ये ठीक है ना अगर मैथमेटिकली इसको जज करना हो तो यहां पे मैं क्या ऑब्जर्व कर सकता हूं कि हर पॉइंट पे टेंजेंट का जो स्लोप है वो पॉजिटिव है हर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव है हर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप देखे ना आप ये भी एक्यूट एंगल बनेगा ये भी एक्यूट एंगल बनेगा ये भी एक्यूट एंगल बनेगा तो हर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप क्या है बच्चों पॉजिटिव है और अगर हर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव है तो इसका मतलब हर पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में हम लोग क्या कहते हैं कि भैया हर पॉइंट पे हर पॉइंट पे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या रहेगी पॉजिटिव यानी कि एफ डैश एक्स विल बी ग्रेटर देन जीरो विल बी ग्रेटर देन जीरो ठीक है क्लियर है बच्चों ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या सभी को ठीक है अच्छा हम लोग जब पढ़ते हैं हमें जब गुरुजी पढ़ाते हैं तो एक फेसेट पढ़ाते हैं मतलब एक डायमेंशन का पढ़ाते हैं बट मैथमेटिक्स हमेशा अदर डायमेंशन में भी होती है तो यहां पे जो हमने फंक्शन कंसिडर किया अगर आप देख पा रहे हो तो वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कंटिन्यूस भी है अगर आप बहुत ध्यान से देखो कंटिन्यूस भी है और हर जगह डिफरेंशिएबल भी है बट ऐसा हमेशा नहीं होता कि आपको कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन ही दें और तब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंगनेस पूछे लेकिन क्लास ट्वेल्थ अगर सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड या एनसीआर लेवल की बात करें तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में हमें हमेशा ही है ना ऑलमोस्ट 99.9 परसेंट केसेस में क्या मिलेंगे कंटिन्यूस एंड डिफ्रेंशियबल फंक्शंस मिलेंगे एलजेब्राइक फंक्शंस एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना वो हमें कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल फंक्शन मिलेंगे जिस पर्टिकुलर इंटरवल में भी हमें उसकी इंक्रीजिंगनेस से डिक्रीजिंगनेस चेक करने को बोली जाएगी तो यहां पे एक बात तो हम नोटिस कर सकते हैं एक बात तो हम लिख सकते हैं एक बात तो हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग लिख सकते हैं कि भैया हम लोग क्या लिख सकते हैं कि लेट लेट यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि लेट लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस continuous, continuous, देखो क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस होता है कोई फंक्शन है ना लेकिन डिफरेंशियबल जब हम लोग कहते हैं तो ओपन इंटरवल है ना क्योंकि एंड पॉइंट्स पे फंक्शन डिफ्रेंशियबल नहीं होता है ना हमने आपको बताया भी था पहले सो लेट एफेक्ट बी कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड एंड डिफ्रेंशियबल इन ओपन इंटरवल ए बी

इस बात को प्लीज नोट करेंगे प्लीज पॉज द वीडियो नोट इट डाउन सभी बच्चे इस बात को अच्छे से नोट करेंगे प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन बच्चों बहुत अच्छी बात है चलिए बच्चों अब बच्चों यहां पे आपको है ना ये बात आपको समझ में आ गई ये बात आपको समझ में आ गई ये, ये वाली बात आपको समझ में आ गई ठीक है अब हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं देखिए हमारी मजबूरी है और हम जो है mm. हम जो है क्या करेंगे बच्चों एक दूसरा सिनेरियो भी पकड़ेंगे एक दूसरा सिनेरियो भी पकड़ेंगे क्या सिनेरियो पकड़ेंगे अब मैं आपको एक दूसरा सिनेरियो पकड़वाता हूं ठीक है एक दूसरा सिनेरियो पकड़वाता हूं सो बेसिकली क्या है कि मान लीजिए एक ऐसा सिचुएशन आप कंसिडर करके चलिए एक ऐसा सिचुएशन आप कंसिडर करके चलिए एक ऐसा सिचुएशन आप कंसिडर करके चलिए है ना लेट्स से दिस पॉइंट इज ए दिस पॉइंट इज बी ठीक है अब स्टूडेंट्स अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो लेट्स से ये कोई फंक्शन है वाई इक्व टू एफेक्स अब अगर आप बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो x के बढ़ने से y या तो बढ़ रहा है या कांस्टेंट है चेक कर लो y या तो बढ़ रहा है या अगर इस विंडो की बात करें तो लगभग कांस्टेंट भी रहा है ठीक है ना y या तो बढ़ रहा है या कांस्टेंट भी रहा है ठीक है y या तो बढ़ रहा है या कांस्टेंट भी रहा है ठीक है अब ऐसे सिचुएशन में जब एक्स के बढ़ने पे वाई या तो बढ़े या कांस्टेंट रहे तो हम ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं ये फंक्शन क्या कहलाएगा इस ऐसे केस में है ना अगर ऐसा होता है अगर ऐसा होता है अगर ऐसा हो रहा है अगर ऐसा हो रहा है तो उस केस में हम अपने फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं कहना क्या बात कर रहे हो लेफ्ट में भी इंक्रीजिंग राइट में भी इंक्रीजिंग यस। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देखें तो इसके और इसके बीच में फर्क क्या है यह भी इंक्रीजिंग है ये भी इंक्रीजिंग है, है लेकिन इसमें और इसमें फर्क क्या है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ये कभी कांस्टेंट नहीं होता यह कभी कांस्टेंट नहीं होता यह सिर्फ बढ़ता है तो स्ट्रिक्ट जैसे मैं स्ट्रिक्ट होकर बोल रहा हूं ना कि भाई ये सिर्फ बढ़ता है ये सिर्फ बढ़ता है ये बढ़ता भी है और कांस्टेंट भी रहता है तो ऐसे केस में हम फंक्शन को इंक्रीजिंग बोलते हैं और ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो यहां पे हम अपने अगर वर्ड को सुधारें तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन मैं शायद ये बात आपको पहले बताता ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना बहुत ध्यान समझेंगे अगर मैं शायद आपको यह बात पहले बताता स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो शायद आप इस वर्ड को फील नहीं कर पाते शायद आप इसको पहले फील नहीं कर पाते अब आप शायद फील कर पा रहे होंगे कि भैया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में सिर्फ बढ़ रहा है इंक्रीजिंग में बढ़ता भी है कांस्टेंट भी रह सकता है फिर बढ़ता भी है क्लियर है अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो मैं इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर कुछ चीजें ऑब्जर्व करना चाहता हूं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर टेंजेंट के स्लोप की बात करें तो पॉजिटिव यहां यहां पे तो यहां पे टेंजेंट टेंजेंट एक्सिस के पैरेलल होगी तो स्लोप जीरो है ना ये भी पॉजिटिव है क्या है टेंजेंट टेंजेंट क्या का स्लोप पॉजिटिव होगा क्यों क्योंकि हमेशा वो एक्यूट एंगल बना रहे हैं किसके साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ, साथ। ठीक है ना और ये तो एक्सिस के पैरेलल है टेंजेंट तो स्लोप क्या है जीरो है तो स्टूडेंट्स अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो हमने क्या ऑब्जर्व करा भैया हमने ये ऑब्जर्व किया हमने ये ऑब्जर्व किया कि यार टेंजेंट का स्लोप जो है टेंजेंट का जो स्लोप है वो क्या है टेंजेंट का जो स्लोप है वो क्या है बच्चों या तो पॉजिटिव है या जीरो है और टेंजेंट का स्लोप क्या होता है डेरिवेटिव भैया डेरिवेटिव ही तो होता है टेंजेंट का स्लोप इट इज द टेंजेंट का स्लोप चेक कर लो तो इसका मतलब हम लोग क्या कहेंगे कि जब इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन फंक्शन बच्चों हम लोग क्या करते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि dy by dx यानी कि स्लोप वो क्या रहेगा या तो पॉजिटिव रहेगा या जीरो रहेगा अब इस बात को मैथमेटिक्स में कैसे दिखाएं तो यानी कि या तो पॉजिटिव रहेगा यानी कि ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर टू जीरो फंक्शन में बढ़ता भी है कांस्टेंट भी रह सकता है और बढ़ता भी है ठीक है ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में सिर्फ बढ़ता है सिर्फ बढ़ता है तो एफ डैश एक्स विल भी ग्रेटर तो अगेन एफ डैश एक्स शुड भी ग्रेटर इक्वल टू जीरो कहा फॉर ऑल है ना फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी है ना यानी कि ए और बी के बीच में सभी एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर कहा जितने भी पॉइंट हैं जितने भी पॉइंट हैं एर बी के बीच में सभी पॉइंट पे है ना लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए फंक्शन पहले ए और बी के बीच में अस भी होना चाहिए और डिफ्रेंशियबल भी तो यानी कि ये वाली जो बात है वो हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे भी अप्लाई हम लोग कर सकते हैं ठीक है तो आपको बात समझ में आई भैया इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया क्या अभी तो सिर्फ इंक्रीजिंग का आया होगा है ना अभी तो सिर्फ इंक्रीजिंग का आया है ठीक है अभी तो सिर्फ इंक्रीजिंग का आया है अभी तो सिर्फ इंक्रीजिंग का आया है है ना? अभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया है और इंक्रीजिंग आया है ठीक है अभी हम आपको क्या सिखाएंगे? और भी सिखाएंगे। फिर उसके बाद एक ही पेज पे सारी समरी लिख के दिखाएंगे ठीक है एक ही पेज पे सारी समरी लिख के दिखाएंगे ठीक है स्टूडेंट्स तो पहले फटाफट से इसको नोट करिएगा पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन बच्चो ठीक है पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन ये कैसे अप्लाई होगा क्वेश्चन में यह हमारा काम है बताना आपको जितना कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है देखो क्यूरसिटी होना बहुत अच्छी बात है पर गलत समय परसिटी की वजह से परेशान होकर जो प्रेजेंट मूवमेंट है उसको भी लर्न ना करना यह गलत बात है जो बातें आपको सिखाई गई है इनको ये आधा पार्ट है इलस्ट्रेशन इज अफ कॉन्सेप्ट तो अभी ये फिफ्टी परसेंट पढ़ाया गया है तो ये आपको फिफ्टी परसेंट क्लियर होना चाहिए कि भाई हम लोग क्या कह रहे हैं क्यों कह रहे हैं यानी कि हमने जो भी लिखा है वो सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए फिर ये कैसे अप्लाई होगा क्वेश्चन के अंदर ये हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे तभी सीखेंगे तो फटाफट फड़ से स्टूडेंट्स प्लीज पॉज दीडियो नोट इट डाउन ओके स्टूडेंट्स तो आइए अब आगे बात करते हैं अब बात करते हैं डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पे है ना सो स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे अगर मैं एक सिनेरियो आपको दिखाऊं क्या अगर आप यहां पे बहुत ध्यान से देखेंगे तो दिस इज बेसिकली ए फंक्शन वाई इक्वल्स टू एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स ठीक है ना उसका ग्राफ आपको हमने दिखाया है ठीक है ना और ये फंक्शन लेट्स से ए से बी में कंटिन्यूअस एंड डिफ्रेंशियबल है ठीक है ना अभी लिख देंगे बाकी बात की बात है अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो बच्चों तो एक्स के बढ़ने से वाई क्या कर रहा है घट रहा है भैया तो वाई की वैल्यू तो कंटिन्यूसली घट रही है ना वाई की वैल्यू तो कंटिन्यूसली घट रही है ना तो अगर एक्स के बढ़ने से वाई आपका घटे then it is the case of what decreasing function और मुझे कहना चाहिए strictly decreasing function क्योंकि x के बढ़ने से y लगातार घट रहा है strictly घट ही रहा है it is a strictly decreasing function अब इसकी पहचान मैथमेटिकली कैसे करेंगे अब इसकी पहचान मैथमेटिकली कैसे करेंगे अब इसकी पहचान मैथमेटिकली कैसे करेंगे तो फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो हर पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट का स्लोप देखें हर पॉइंट पे देखिए टेंजेंट क्या करेगी एक्स एक्सिस के साथ ऑप्टिवज एंगल बनाएगी ऑलवेज है ना अगर आप देखें ऑलवेज ऑप्टिवज एंगल बनाएगी ऑलवेज ऑप्टिव एंगल बनाएंगे तो इसका मतलब हर पॉइंट पे टेंजेंट का जो स्लोप है वो क्या है बच्चों नेगेटिव है नेगेटिव है और टेंजेंट का स्लोप क्या होता है बच्चों डेरिवेटिव ठीक है ना तो इसका मतलब फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है ना फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन वी कैन से कि भैया जो एफ डैश एक्स है वो क्या रहेगा लेस देन जीरो नेगेटिव रहेगा नेगेटिव का मतलब लेस देन जीरो रहेगा है ना फॉर ऑल एक्स उन सभी एक्स पे जो किससे बिलोंग करते हैं ओपन इंटरवल ए बी क्लोज इंटरवल क्यों नहीं लिया क्योंकि एंड पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते यानी कि डिफाइन नहीं होता क्लियर है बच्चों क्लियर है तो यानी कि ये हमने आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का केस बताया है क्या बताया है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की सिचुएशन बताई है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की हमने आपको सिचुएशन बताई है तो बेसिकली इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे कि भैया लेट वाई बी अ फंक्शन लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन कंटिन्यूस इन ओपन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफ्रेंशिएबल इन ओपन इंटरवल डिफरेंशियबल डिफरेंशियबल इन ओपन इंटरवल ए बी ठीक है बच्चों क्लियर है क्या इन ओपन इंटरवल ए बी क्लियर है सो दिस इज द केस ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ये क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्लियर है बच्चों क्लियर है क्या जल्दी से बताइएगा ठीक है आगे बढ़े क्या हम लोग आगे बढ़े क्या जल्दी से बता दीजिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़े क्या चलिए अब स्टूडेंट्स एक और सिनेरियो देखिए और इस सिनेरियो के अंदर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं एक फंक्शन का ग्राफ दिखा रहा हूं मैं आपको दिस इज वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें ये फंक्शन ए से लेके बी तक में डिफाइंड है दिस इज वाई एक्सेस दिस इज एक्स एक्सेस एक्स के बढ़ने से अगर आप अपने देखें तो या तो आपका वाई घट रहा है या आपका वाई फॉर सर्टेन पीरियड कांस्टेंट भी है यानी कि या तो आपका वाई क्या हो रहा है घट रहा है या फिर कांस्टेंट भी है तो स्टूडेंट्स अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो जब एक्स के बढ़ने पे y या तो घटे या कांस्टेंट भी रह सकता है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तो ऐसे केस में हम लोग क्या कहते हैं कि दिस इज द केस ऑफ y इक्वल टू एफेक्ट इज सेट टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन ध्यान दें बच्चों वहां पे हमारे पास y सिर्फ घट रहा था तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन था यहां पे वाई घटने के साथ साथ, साथ समटाइम्स कांस्टेंट भी रहता है तो इट इस कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन एंड इसके लिए क्या कंडीशन रखते हैं हम लोग क्योंकि अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या रहेगा भैया अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट यहां पे जीरो है राइट है यहां पे नेगेटिव है यहां पे भी नेगेटिव है ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट एम क्या होता है डेरिवेटिव है ना स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज डेरिवेटिव सो यानी कि डेरिवेटिव क्या रहेगा बच्चों डेरिवेटिव क्या क्या रहेगा F -X क्या रहेगा यानी कि तो या जीरो यानी कि इसका मतलब मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे नेगेटिव रहेगा मतलब लेस देन जीरो या फिर जीरो के इक्वल रहेगा तो फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स विल बी लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो ठीक है ये सारी बातें आपने बहुत ही प्यार से नोट करना है आपको ठीक है ना अगर हम पीछे जाएं, तो हमको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन जो हमने आपको लिखवाई है ये भी आपको पता होनी चाहिए बच्चों ये भी आपको पता होनी चाहिए और इंक्रीजिंग फंक्शन की क्या कंडीशन है बच्चों ये भी आपको पता होनी चाहिए बच्चों ठीक है ना इंक्रीजिंग फंक्शन की इसके अलावा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की क्या कंडीशन है बच्चों भी आपको पता होनी चाहिए बच्चों ठीक है और फंक्शन की क्या कंडीशन है बच्चों भी आपको पता होनी चाहिए अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखेंगे कि एवरेज एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू जीरो होनी चाहिए है ना फॉर ऑल एक्स उन तमाम एक्स पे जो कहा बिलोंग कर रहे हैं ए और बी के बीच में है ना तो यानी कि

सभी बच्चे नोट कर लेंगे अब हम आपको दो एस्पेक्ट और दिखाएंगे एक तो कांस्टेंट फंक्शन का और एक नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन का ठीक है अब हम आपको दो एस्पेक्ट और दिखाएंगे कांस्टेंट फंक्शन का और नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन का ठीक है एंड देन उसके बाद हम लोग समराइज करेंगे क्या करेंगे बच्चों हम लोग समराइज करेंगे ठीक है लोग समराइज करेंगे एंड देन समराइज करने के बाद वी हैव क्वेश्चन क्लियर है तो फटाफट फ़ड़ से वीडियो को पॉज करके प्लीज नोट करिएगा ठीक है स्टूडेंट्स क्लियर है चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब स्टूडेंट्स सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि लेट्स से यहां पे अगर हमने देखा तो एक्स के बढ़ने या घटने से आपका लेट्स से फॉर किसी इंटरवल में ए टू बी में अगर मैं बात करूं एक्स के बढ़ने से वाई आपका कांस्टेंट है ठीक है या एक्स के घटने से तब भी वाई आपका क्या है कांस्टेंट है है ना आप चेक सक कर सकते हैं दिस इज एक्स एक्सेस दिस इज वाई एक्सेस एक्स के बढ़ने से वाई कॉन्स्टेंट है ना या एक्स के बढ़ने से क्या हो रहा है वाई की वैल्यू तो कांस्टेंट ही है ना या एक्स के घटने पे भी वाई की वैल्यू क्या है कांस्टेंट ही है तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो हर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप क्या रहेगा जीरो रहेगा तो दिस इज वेन एक्स के बढ़ने या घटने से वाई क्या है आपका कांस्टेंट ही है ठीक है ना तो इसका मतलब वाई इक्वल टू जो एक्स है यानी कि जो आपका फंक्शन है ये जो आपका फंक्शन है ये क्या है बच्चों इट्स अ कांस्टेंट फंक्शन ये कांस्टेंट फंक्शन है ये कांस्टेंट फंक्शन होगा बच्चों और कांस्टेंट फंक्शन है और इसकी पहचान क्या होगी कि हर पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव कितना होगा जीरो होगा एफ डैश एक्स कितना होगा बच्चों जीरो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी वेयर इस फंक्शन की डेफिनेशन है ना इस फंक्शन की डेफिनेशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि भैया लेट एफ y equal to f x be a continuous function be a function be a function continuous in closed interval a b and differentiable and differentiable in open interval a b differentiable in open interval a b ठीक है बच्चों तो so हमने यहां पे आपको यह भी बताया कि अगर x और y के बढ़ने या घटने से वाई कॉन्स्टेंट रहे तो इट विल बी अ अंस्टेंट फंक्शन कॉन्स्टेंट फंक्शन क्लियर है बच्चों अब एन आई कि नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन यानी कि नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन ठीक है अब स्टूडेंट्स ये फंक्शन कैसे होते हैं अब देखिएगा बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें एक फंक्शन का ग्राफ आपके सामने ड्रॉ करता हूं है ना लेट्स से लाइक दिस अब अगर बहुत ध्यान से देखें ये y एक्सिस है ये x एक्सिस है अब आप अगर बहुत ही ध्यान से देखें तो x के बढ़ने से y बढ़ भी रहा है सम टाइम भी है और डिक्रीज भी हो रहा है है ना y बढ़ भी रहा है कांस्टेंट भी है और डिक्रीज भी हो रहा है x के बढ़ने से ठीक है ना, है ना है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं एन आई एन डी नईदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन इसमें आप देखो कि होता क्या है कि मान लो ये फंक्शन ए टू बी में डिफाइंड है तो ए टू बी में क्या होगा भैया अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव भी हो जाता है टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव भी, भी हो जाता है टेंजेंट का स्लोप जो है वो जीरो भी हो जाता है वो जीरो भी हो जाता है टेंजेंट का स्लोप आपका जीरो भी हो जाता है एंड टेंजेंट का स्लोप आपका नेगेटिव भी हो जाता है ठीक है तो यानी कि टेंजेंट का स्लोप आपका पॉजिटिव भी हो रहा है जीरो भी हो रहा है नेगेटिव भी हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यानी कि एनआईएनडी फंक्शन में एफ डैश एक्स भैया एम क्या होता है एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन जीरो भी होगा एंड इक्वल टू जीरो भी होगा एंड लेस देन जीरो भी होगा तो अगर किसी इंटरवल में किसी इंटरवल में ये तीनों काम हो जाए यानी कि आपका जो एफ डेक्स है वो ग्रेटर देन भी हो जाए इक्वल टू जीरो और लेस देन जीरो भी हो जाए तो आप ये समझो कि उस पर्टिकुलर इंटरवल में आपका फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है है ना कायदे में आप सोच रहे होंगे कि सर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ कहना चाहिए है ना क्योंकि इंक्रीज भी कर रहा है फिर डिक्रीज भी कर रहा है लेकिन

समराइजेशन की स्लाइड रहेगी हमारी तो सिंपल है भैया है ना बहुत ही शॉर्ट में बात करेंगे दिस इज द केस ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कंडीशन क्या थी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो दिस इज द केस ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन है ना दिस इज द केस ऑफ इंक्रीजिंग ठीक है इंक्रीजिंग फंक्शन ठीक है इंक्रीजिंग 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 फंक्शन केस में एफ डैश एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो हम लोग लिख दे रहे हैं दिस इज स्ट्रिक्ट इनक्रीजिंग स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग यहां पर एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो ठीक है एंड नाउ वी हैव द केस हियर क्या है बच्चों डिक्रीजिंग है ना सो दिस इज स्ट्रिक्टली ड्रीजिंग स्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग स्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग ठीक है एंड एफ डैश एक्स क्या होगा इट इज लेस देन जीरो एंड राइट इट इज दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन ड्रीजिंग फंक्शन यानी कि एफ डैश एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जीरो ठीक है दिस इज द डिक्रीजिंग फंक्शन तो ये चारों चारो के चारों कैटेगरीज हमने आपको लिखवा दी है दिस इज द केस ऑफ कॉन्स्टेंट फंक्शन कॉन्स्टेंट फंक्शन के केस में एफ डैश एक्स इज ग्रेटर इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इज द केस ऑफ एन आई एन डी फंक्शन है ना नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या होता है ग्रेटर देन जीरो भी होता है एंड इक्वल टू जीरो भी होता है एंड लेस देन जीरो भी होता है तो ये समरी है ये समरी है तो ये समरी सभी बच्चों के समरी जो है सभी बच्चों की कॉपी में होना चाहिए ना तो अब हम लोग फाइनली इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ा झोल है है ना एक बहुत बड़ा झोल है जो बहुत सारे बच्चों को क्या मतलब ये ये बहुत बड़ा झोल है ना कई सालों से ये झोल चला आ रहा है ठीक है एनसीआर के अंदर सोल्यूशंस में बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को तो एक झोल जो है इस झोल को क्लियर करते हैं तो पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग ठीक है अब ये जो झोल जो है इसको हम खत्म करते हैं देखिएगा बच्चों अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें बच्चों तो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की क्या कंडीशन है बच्चों अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की क्या रिक्वायरमेंट है बच्चों एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो अच्छा एक इंक्रीजिंग फंक्शन की अगर मैं बात करूं एक इंक्रीजिंग फंक्शन की मैं बात करूं तो इसकी रिक्वायरमेंट है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो तो देखिए आपका जो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है उसको हम लोग इंक्रीजिंग बोल सकते हैं और जो फंक्शन इंक्रीजिंग है उसको हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते उसके पीछे रीजन है उसके पीछे रीजन है देखिएगा रीजन क्या है बच्चों रीजन क्या है जरा इस चीज को समझिएगा इस चीज को समझिएगा बच्चों देखिएगा बच्चों जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन की स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग फंक्शन क्या करता है इंक्रीजिंग फंक्शन की दो कंडीशंस होती है या तो ग्रेटर देन जीरो हो या इक्वल टू जीरो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन की दो कंडीशन में से एक कंडीशन को फुलफिल करता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन कह देते हैं लेकिन अगर जो इंक्रीजिंग फंक्शन है ठीक है इंक्रीजिंग फंक्शन है अब वो कह रहा है कि एफडाशेक्स या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू जीरो होगा उस केस में बच्चों अगर मैं बात करूं तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की सिर्फ एक कंडीशन है कि फंक्शन कहीं पे भी रुकना नहीं चाहिए सिर्फ बढ़ते रहना चाहिए तो इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या हो सकता है फंक्शन बढ़ भी सकता है और थोड़े समय के लिए कॉन्स्टेंट भी हो सकता है तो इंक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की जो कंडीशन है उनको क्वालिफाई नहीं करता है तो यानी कि यहां से हम लोग एक बात लर्न कर सकते हैं क्या कर सकते हैं बच्चों कि भैया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं ठीक है ना इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं बट इंक्रीजिंग फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन को हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं बोल सकते ठीक है ना तो ये बात सभी बच्चों को ध्यान में होनी चाहिए ठीक है इसके अलावा स्टूडेंट्स सिमिलरली सिमिलरली बच्चों सिमिलरली बहुत ध्यान से देखेंगे अगर हमारे पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है स्ट्रिक्टली फंक्शन है तो उसकी कोई दो में से एक रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो गई ना भाई एफ डैश एक्स या तो लेस देन जीरो हो जाए या इक्वल टू जीरो हो जाए तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन की एक, एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन को हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं बट अगर कभी डिक्रीजिंग फंक्शन है अब डिक्रीजिंग फंक्शन में फंक्शन या तो डिक्रीज करेगा या कॉन्स्टेंट भी हो सकता है लेकिन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में सिर्फ फंक्शन डिक्रीज करना चाहिए तो डिक्रीजिंग फंक्शन को हम लोग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं कह सकते क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है और यहां पे फंक्शन जो है अगर कांस्टेंट रहा एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो भी हो सकता है और उसकी वजह से ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं हो पाएगा तो ये भी दो बहुत ही प्यारी कंडीशन है बच्चों ये भी बच्चों बहुत ही प्यारी दो कंडीशन है इनको भी आप नोट करिएगा इनको भी आप नोट करिएगा ठीक है इनको भी आप नोट करिएगा ठीक है क्लियर है तो फाइनली मैं एक बात और लिखवाना चाहता हूं आपको फाइनली मैं एक बात और लिखवाना चाहता हूं यानी कि क्या ट इज द रूल दैट वी गो ना यूज इन अवर एक्सरसाइज एंटायरली ठीक है ना फाइनली हम लोग कुछ कंक्लूड कर रहे हैं ठीक है बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा आपको मैंने सारी की सारी बात बता दी सारी की सारी बात बता दी अब ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं ना अगर मैं आपको ये ना बताऊं तो आपको एनसीआर टी के अंदर हर क्वेश्चन में सॉल्व करते समय आंसर में डिफिकल्टी होगी निकालने में आपका आंसर मैच नहीं करेगा तो इसलिए जो बात मैं आप बताने जा रहा हूँ उससे आपके सारे आंसर मैच कर जाएंगे जरा समझिएगा बच्चों बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन अगर कोई है वो इंक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन को क्वालिफाई करता है तो इसका मतलब अगर हम अगर कोई फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन को क्वालिफाई कर रहा है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो उससे हमारा स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी इस्टेब्लिश हो गया और हमारा अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्टैब्लिश हो गया तो इंक्रीजिंग भी स्टैब्लिश हो गया ठीक है ना तो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी स्टैब्लिश हो रहा है और इंक्रीजिंग भी स्टैब्लिश हो रहा है तो कितना आसान हो जाएगी हमारी जिंदगी कि आज से आज से हमें चाहे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना हो चाहे फंक्शन को इंक्रीजिंग प्रूव करना हो हम तो फंक्शन का डेरिवेटिव को ग्रेटर देन ज़ीरो रख देंगे तो उससे क्या होगा फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन होगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा और अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग तो फंक्शन हो ही जाएगा ठीक है ना क्लियर है क्या तो आज से हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो चाहे इंक्रीजिंग एक ही कंडीशन इस्तेमाल करेंगे दैट इज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो क्लियर है अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा सिमिलरली 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 अगर हम लोग डिक्रीजिंग की बात करें तो देखिए बच्चों क्योंकि जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है वो डिक्रीजिंग के लिए भी क्वालिफाई हो जाएगा तो यानी कि जो डिक्री स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन है एफ डैश एक्स लेस देन जीरो ठीक है ना ये कंडीशन अगर क्वालिफाई हो रही है तो यानी कि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग भी होगा तो यानी कि आज से हम लोग क्या भी कह सकते हैं आज से हम लोग क्या भी कह सकते हैं कि भैया चाहे फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो है ना इसको थोड़ा सा ऊपर कर क्या इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया हमने अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा तो आज से हम लोग क्या भी कह सकते हैं बच्चों आज से हम कह सकते हैं कि फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किसी भी चीज के लिए हम लोग कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होगा ये कंडीशन हम लोग इस्तेमाल करेंगे यानी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग एक ही कंडीशन काफी है क्योंकि अगर एफ डैश एक्स लेस देन जीरो प्रूव कर दिया तो इसका मतलब हमने फंक्शन को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव कर दिया और इसका मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव हो गया तो डिक्रीजिंग भी प्रूव हो गया तो यानी कि हम लोगों को ये दो बातें याद रखनी है कि भैया हमें क्या बातें याद रखनी है बच्चों हमें आज से ये बात याद रखनी है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो है ना हमें क्या बात याद रखनी है बच्चों आज से कि फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो चाहे इंक्रीजिंग हो वी हैव टू यूज एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो और फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन वी हैव टू यूज व्हाट इज लेस देन जीरो ठीक है बेटा क्लियर है चलिए स्टूडेंट्स तो आइए बात करते हैं अपने क्वेश्चंस पे बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द दीडियो नोट इट डाउन स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन है ना एग्जाम्पल नंबर सेवन इसको देखते हैं सभी बच्चे वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को रीड कर लें है ना सो so दैट उनको ये तो आइडिया हो जाए कि एग्जैक्टली exactly इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है तो कह रहा है कि शो डैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू सेवन एक्स माइनस थ्री इज इंक्रीजिंग ऑन आर इज इंक्रीजिंग ऑन आर का मतलब क्या बच्चों इज इंक्रीजिंग ऑन आर का मतलब क्या है बच्चों इज इंक्रीजिंग ऑन आर का मतलब क्या है बच्चों इज इंक्रीजिंग ऑन आर का मतलब है बच्चों कि इज इंक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर इज इंक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर है ना ठीक है ना फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स तो स्टूडेंट्स देखेंगे बहुत ध्यान से कि अगर मैं बात कर रहा हूं कि फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन है ना फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है बच्चों एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए ठीक है यही होना चाहिए इस बात को उठा के मैं यहाँ इधर रख सकता हूं रख दिया मैंने मैंने अब यहां पे F -X निकाला जो कि कितना हो जाएगा सेवन एक्स का सेवन और माइनस का थ्री का डिफेंशन जीरो दिस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू सेवन यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स कितना है इट इंप्लाइज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर फॉर ऑल है ना यहाँ पे x आप कुछ भी रखो कोई भी रियल नंबर रखो आपका f'(x) हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इट इंप्लाइज है ना क्योंकि f'(x) अगर ग्रेटर देन जीरो है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इट इंप्लाइज फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r है ना भैया तो अगर फंक्शन का डेरिवेटिव सभी रियल नंबर्स के लिए ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग है देखिए डेरिवेटिव ग्रेटर देन होता है तब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है कभी यहां पे आप एफ इंक्रीजिंग लिख दे नहीं इज ग्रेटर देन इट इंप्लाइज फंक्शन इंक्रीजिंग फॉर ऑल बिलोंग्स टू क्लियर है बच्चों सो so ये तो हमने आपको रिमाइंडर के लिए बता दिया था ये तो हमने आपको रिमाइंडर के लिए बता दिया था तो आप चाहे तो यहां पर रफ में लिख सकते हैं इस बात को चाहे लिखा रहने भी दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना आप यहां पर लिखा भी रहने दे सकते हैं तो इट भैया आपने ये लॉजिक इस्तेमाल किया ठीक है क्लियर है क्लियर है? बच्चों? So, बच्चों, आगे बढ़ते हैं, next question करते हैं next question करते हैं करते करते so, अगर आप देखेंगे तो आपको दो तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में आपको दो तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे पहला टाइप आपको मिलेगा कि आपको एक्स की वैल्यूज गिवन होंगी यानी कि इंटरवल गिवन होगा आपको इंटरवल गिवन होगा यानी कि एक्स की वैल्यूज जिससे बिलोंग करती है जिस इंटरवल से इंटरवल गिवन होगा आपको फाइंड करना होगा कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या दूसरे तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होंगे दूसरे टाइप के क्वेश्चंस कैसे होंगे आपको फंक्शन दिया होगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है फंक्शन आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग गिवन होगा आपको उस इंक्रीजिंगनेस और डिक्रीजिंगनेस के लिए क्या निकालना पड़ेगा इंटरवल ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा तो यानी कि आपको वो एक्स की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी जिस पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है तो दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो यहां पे अगर आप देखें तो आपको एंटायर रियल नंबर्स दिए हुए थे आपको पता करना था कि क्या इन रियल नंबर्स में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है क्या तो आपने देख लिया ठीक है तो आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे ना सेकंड क्वेश्चन चलिए स्टूडेंट्स तो एग्जांपल नंबर एट देखेंगे तो यहाँ पे ऑन ऑल रियल नंबर तो यानी कि मुझे क्या शो करना है मुझे बेसिकली टू शो कि जो गिवन फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है फॉर ऑल रियल नंबर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर तो बेसिकली मेरे को शो क्या करना है बच्चों अगर आप बहुत ही देखो तो हमें मुझे फंक्शन को इंक्रीजिंग शो करना है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर तो बेसिकली मुझे एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन जीरो शो करना है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर तो ठीक है, तो है मैं करता हूं अब देखिए फंक्शन मेरे पास क्या है

एडिशन ऑफ टू टर्म्स के तौर पे लिखूं या इसके फैक्टराइजेशन कर दूं बट मेरे को अगर स्क्वायर मिल जाए यानी कि समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग तो मैं ये प्रूव कर सकता हूं कि स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा प्लस समथिंग करा तो हमेशा पॉजिटिव होगा तो मैं उसी एंगल से जाऊंगा और मैं क्या करूंगा यहां पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाने की कोशिश करूंगा तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा थ्री कॉमन लूंगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री टू जस सिक्स एक्स ठीक है ना थ्री टू जस्ट सिक्स एक्स और मैं प्लस का थ्री अलग ले ले रहा हूं देखो 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 इस फोर को ना इस फोर को बेटा बहुत ध्यान से देखना बहुत ध्यान से देखना ये फोर एक्स है ना आ, फोर है सॉरी अब देखो यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का सिक्स सिक्स प्लस का थ्री प्लस का वन मेरे को कैसे पता चला मेरे को ऐसे पता चला कि जब मैं थ्री कॉमन ले रहा था तो मुझे यहाँ पे अगर प्लस का वन मिल रहा है तो मेरा फायदा है क्या दिस इज एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ठीक है, क्लियर है दिस इज एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अब देखिए ये एफ डैश एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई बच्चों? ये आ गई अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा जिंदगी में बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वांटिटी को देखो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर किसी भी चीज का होल स्क्वायर हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा किसी भी चीज का होल स्क्वायर ठीक है अब अगर मैं बोथ साइड प्लस वन कर दूं या या सॉरी या सॉरी मैं अगर बोथ साइड थ्री से मल्टीप्लाई कर दूं क्यों कर रहा हूं मैं मल्टीप्लाई क्योंकि मैं एग्जैक्टली एफ डैश एक्स लेकर आना चाह रहा हूं तो इधर भी थ्री से मल्टीप्लाई होगी तो ये कितना हो जाएगा थ्री एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो फिर मैं अगर बोथ साइड प्लस वन कर दूं तो इसका मतलब ये लेफ्ट साइड वाली क्वांटिटी क्या होगी एफ डैश एक्स और ये greater than equal to one होगी। इसका मतलब अगर ये ग्रेटर टू वन है तो इसका मतलब F -X क्या होगा आप दुनिया का कोई भी एक्स ला के यहां रख दो कोई भी एक्स रख दो रियल नंबर रख दो एफ डैश एक्स तो भैया हमेशा वन से बड़ा रहेगा यानी कि हमेशा जीरो से भी बड़ा रहेगा बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे इस वाली लाइन को इस वाली लाइन को बहुत ध्यान से देखेंगे अगर एफ डैश एक्स जिंदगी में हमेशा वन या वन से बड़ा है तो एक बात तो मैं हमेशा कह सकता हूं ना कि एफ डैश एक्स ग्रेटर बड़ा है तो यह बात तो मैं कह सकता हूं ना कि F -X हमेशा ग्रेटर देन होगा और किसके लिए फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर कोई भी एक्स आप कोई भी रियल नंबर लेके आओ तो अगर मैंने यह शो कर दिया एफ डैश एक्स ग्रेटर टू आर तो मैंने क्या शो कर दिया कि फंक्शन हमारा क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर क्लियर है जल्दी से बता दीजिए क्लियर है क्या ठीक है बच्चों सो ऐसे ही करके हमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के तमाम क्वेश्चन करने हैं चेक कर लो क्लियर है फटाफट फड़ से बेटा वीडियो को पॉज करके नोट करने की कोशिश करिएगा चलिए स्टूडेंट्स तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर कहता है प्रूव द दे फंक्शन टू कॉस एक्स है ना तो हमारे को क्या बोल रहा है बच्चों प्रूव द दे फंक्शन टू कॉस एक्स इज डिक्रीजिंग इन जीरो टू पाई इज डिक्रीजिंग इन जीरो टू पाई तो ये फंक्शन हमें क्या प्रूव करना है टू प्रूव ए पार्ट में फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन जीरो टू पाई तो इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है कि एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो फॉर एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई ये शो करना है भैया हमें चलिए कर देते हैं कर देते हैं तो सबसे पहले तो बात करेंगे एफ डैश एक्स कितना है बच्चों इट इज कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स अब स्टूडेंट्स बहुत ही जरा ध्यान से देखिएगा x की वैल्यूज क्या है भैया जीरो से लेके है ना बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा x की वैल्यू बच्चों जीरो से लेके है ना x की वैल्यू जीरो नहीं है जीरो से लेके पाई तक ये जीरो है ये पाई है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये सेकंड क्वाड्रेंट है ठीक है अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि जब x बिलोंग्स टू है ना फॉर x बिलोंग्स टू फॉर x बिलोंग्स टू फॉर x बिलोंग्स टू जीरो टू पाई आपको भी पता है कि साइन एक्स हमारा क्या रहता है बच्चों साइन एक्स हमारा पॉजिटिव रहता है ना भैया फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स क्या रहता है पॉजिटिव रहता है ठीक है तो साइन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो अब अगर मैं नेगेटिव वन से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस साइन एक्स और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो का और यह माइनस साइन एक्स क्या है आपका है। तो यानी कि हमने क्या प्रूव कर दिया फॉर एक्स बिलोंग्स टू जीरो आपका जो एफ डैश एक्स है वो लेस देन जीरो प्रूव हमने कर दिया है है ना फॉर एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई हमने क्या प्रूव कर दिया बच्चों एफ डैश एक्स इज एफ डैश एक्स एज बहुत ध्यान से देखेंगे एफ डैश एक्स इज फॉर एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो हैंस इट एम्प्लाइज हम लोग क्या कह सकते हैं कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन जीरो टू पाई ठीक है क्लियर है बच्चों क्लियर है सो so, एक पार्ट क्लियर हो गया हमारा अब हम लोग अदर टू पार्ट भी सॉल्व करेंगे अदर टू पार्ट भी सोल्व करेंगे अदर पार्ट में क्या कह रहा है वो बी पार्ट में कि टू प्रूव क्या प्रूव करना है बी पार्ट में फंक्शन इज इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इन पाई टू टू पाई ओपन इंटरवल पाई टू टू पाई यानी कि इन शॉर्ट हमें क्या प्रूव करना है एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर एक्स बिलोंग्स टू पाई टू टू पाई अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे फंक्शन क्या है हमारे पास कॉस एक्स है तो एफ डैश एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस एक्स का कितना आ जाएगा माइनस साइन एक्स आ जाएगा अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा फॉर एक्स बिलोंग्स टू पाई टू टू पाई हमें यही प्रूव करना है ना भाई अरे हमको यही प्रूव करना है ना भाई तो फॉर एक्स बिलोंग्स टू पाई टू टू मतलब मतलब यानी कि ये पाई है ये टू पाई है और आपका एक्स कहां है पाई से लेके टू पाई के बीच में अब आपको पता है कि यहां इस जगह पे साइन एक्स नेगेटिव होता है और यहां पे भी साइन एक्स नेगेटिव होता है तो फॉर एक्स बिलोंग्स टू पाई टू टू पाई साइन एक्स इज लेस देन जीरो और साइन एक्स अगर लेस देन जीरो है तो नेगेटिव वन से बोथ साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो इन का साइन रिवर्स हो जाएगा और इसका मतलब माइनस साइन एक्स क्या है एफ डैश एक्स है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर हो गया तो हमने क्या प्रूव कर दिया भैया फॉर एक्स बिलोंग्स टू पाई टू टू पाई एफ डैश एक्स इज ग्रेटर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर एक्स बिलोंग्स टू पाई टू टू पाई ठीक है क्लियर है? है क्या तो ऐसे करके हमें करना है ठीक है स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझेंगे इसका थर्ड पार्ट है ना इसका थर्ड पार्ट बहुत ही ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट ठीक है बहुत ही ध्यान से समझेंगे थर्ड पार्ट सी पार्ट नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग तो हमें क्या प्रूव करना है एफेक्स इज नीदर इंक्रीजिंग नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन जीरो अब देखो बच्चों प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम क्या फंक्शन क्या है हमारा x है फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है इट इज माइनस साइन एक्स अब आप खुद सोचो खुद सोचो जब आपका एक्स किससे बिलोंग करेगा जीरो से टू पाई के बीच में यानी कि अब आपका एक्स जो है वो जीरो से टू पाई के बिलोंग कर रहा है ठीक है ना तो अब आपका साइन एक्स देखो यहां पे पॉजिटिव रहेगा यहां पे पॉजिटिव रहेगा यहां पे बेसिकली पाई पे साइन एक्स जीरो रहेगा इस क्वाड्रेंट में साइन एक्स नेगेटिव रहेगा इस क्वाड्रेंट में भी साइन एक्स नेगेटिव रहेगा तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि भैया फोर एक्स बिलोंग्स टू जीरो से टू पाई आपका साइन एक्स कभी तो ग्रेटर देन जीरो हो रहा है कभी इक्वल टू जीरो हो रहा है और कभी लेस देन जीरो हो रहा है तो इसका मतलब अगर माइनस साइन एक्स की बात करूंगा मैं तो वो भी कभी लेस देन जीरो होगा कभी इक्वल टू जीरो होगा और कभी ग्रेटर देन जीरो होगा तो इसका मतलब हमारा जो एफ डैश एक्स है वो क्या हो रहा है कभी लेस देन हो रहा है कभी इक्वल टू हो रहा है, और कभी ग्रेटर देन फंक्शन हो, हो गए क्लियर है बच्चों तो उम्मीद कर रहा हूं कि यह सब आपको क्लियर हो रहा होगा प्लीज वीडियो को पॉज करके नोट करिएगा ठीक है ना और चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे वीडियो नोट इट डाउन स्टूडेंट अब स्टूडेंट्स देखिएगा एग्जाम्पल नंबर टेन ठीक है एग्जाम्पल नंबर टेन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर टेन कहता है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग तो हमें क्या निकालना है भैया ए केस में एक केस में हमें क्या निकालना है बच्चों एक केस में हमें क्या निकालना है ए पार्ट में हमें निकालना है वी हैव टू फाइंड आउट इंटरवल क्या निकालना है बच्चों मैंने आपको कहा था ना दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं या तो इंटरवल पूछता है या इंटरवल देता है तो पूछता है फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है सो कह रहा है कि टू फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग यही पूछ रहा है भैया आपसे यही पूछ रहा है क्या भैया आपसे यही पूछ रहा है क्या भैया आप आपसे चेक लो यही पूछ रहा है यानी कि ऐसा इंटरवल निकालना है जिसमें फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है ठीक है अब स्टूडेंट सबसे पहले तो देखते हैं फंक्शन क्या है फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स फॉर इंक्रीजिंगनेस या फॉर इंक्रीजिंग कंडीशन क्या है एफ डैश एक्स विल बी ग्रेटर देन जीरो तो इसका मतलब एफ डैश एक्स कितना है बच्चों इट इज टू एक्स माइनस फोर एंड फॉर इंक्रीजिंग फॉर इंक्रीजिंग हम लोगों को क्या पुट करना है फॉर इंक्रीजिंग हम लोगों को क्या पुट करना है दिस इज ग्रेटर देन जीरो सो टू एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो आपको क्या देगा टू एक्स ग्रेटर देन फोर इट इम्प्लाइज इट इज एप्लाइज इट इम्प्लाइज एक्स ग्रेटर देन टू यानी कि एक्स ग्रेटर देन टू यानी कि एक्स कहां है दो से बड़ा नंबर है कहां तक अप टू इंफिनिटी तक है ना एक्स दो से बड़ा होना चाहिए तो एक्स दो से बड़ा कहां तक जा सकता है इंफिनिटी तक सो इट इंप्लाइज एक्स विल बिलोंग टू 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 इंफिनिटी तो यही तो रियल इंटरवल है और यही वो पूछ रहा था तो इस इंटरवल में आपका फंक्शन क्या होगा इंक्रीजिंग होगा तो फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग सो दिस इज दैट इंटरवल x बिलोंग्स टू 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 इंफिनिटी चेक कर लो चेक कर लो ठीक है क्लियर है क्या ओके okay. क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है ठीक है भैया ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भैया ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भैया ठीक है ठीक है ठीक है अरे ठीक है क्या भैया जल्दी से बोलो ना ओके चलिए 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 अब हम लोगों को सेकंड पार्ट करना है सॉल्व सेकेंड पार्ट करना है सॉल्व सो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है वी हैव टू फाइंड इंटरवल इन विच फंक्शन इज डिक्रीजिंग इंटरवल इन विच एफ एक्स इज डिक्रीजिंग एफ एक्स इज डिक्रीजिंग तो फंक्शन क्या है भैया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स फोर डिक्रीजिंग हम लोग क्या कंडीशन इस्तेमाल करेंगे बच्चों फॉर डिक्रीजिंग वी विल स्टेब्लिश एफ डैश एक्स लेस देन जीरो सो एफ डैश एक्स क्या है भैया इट इज टू एक्स माइनस फोर एंड फॉर डिक्रीजिंग फॉर डिक्रीजिंग हम लोग क्या रखना है लेस देन जीरो रखना है एफ डैश एक्स तो यानी कि टू एक्स इज लेस देन फोर Which means x is less than टू It implies x की वैल्यू दो से छोटी अब दो से छोटी अगर कोई वैल्यू लेनी है आपको तो कहां तक जाएगी नेगेटिव इन्फिनिटी तक तो x विल belongs टू नेगेटिव इन्फिनिटी से टू तक सो दिस इज द इंटरवल जिसके अंदर फंक्शन क्या है डिक्रेजिंग है क्लियर है बच्चों क्लियर है क्या सभी को फटाफट से प्लीज नोट करिएगा एंड देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चो वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन खा गे खा गे मोहतिया रज तो से चुन चुन खाई नजी यारे खाई ना तू ना मोरे खाइना तू ना मोरे भी अगारे रंग ओ खे सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ओके, सो सेम क्वेश्चन है भैया कह रहा है कि फंक्शन का इंटरवल बताओ फॉर दिस फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन तो हमें क्या करना है भैया टू फाइंड ए ए पॉइंट में हमें क्या करना है हमें क्या करना है इंटरवल निकालना है फॉर विच एक्स इज इंक्रीजिंग एक्स इज इंक्रीजिंग ऐसा इंटरवल निकालना है तो भैया हमारे पास फंक्शन क्या है इट इज फोर एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस कस सेवेंटी टू एक्स प्लस थर्टी अब बच्चों फॉर इंक्रीजिंग फॉर इंक्रीजिंग आपको भी पता है वी यूज द कंडीशन फॉर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो यही कंडीशन यूज करते हैं भैया हम लोग तो यहां पे हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे एफ डैश एक्स निकालेंगे यानी कि चार तिया बारह एक्स स्क्वायर माइनस छह दूनी बारह एक्स माइनस का बहत्तर और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए फॉर इंक्रीजिंग ठीक है ना फॉर इंक्रीजिंग ये वैल्यू क्या होनी चाहिए भैया ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए तो एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर हम देखें तो यहां से बारह कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो और बल्कि अभी अभी ग्रेटर देन जीरो वाली बात नहीं करते हैं पहले एफ डैश एक्स ही सॉल्व कर लेते हैं ना पहले सो so, इसको अगर आप देखोगे तो यहां पर मैं काम करता हूं थोड़ा सा फेक्ट्राइजेशन करने की कोशिश करता हूं सो so, क्या मैं लिख सकता हूं एक्स माइनस का थ्री एक्स प्लस का टू एक्स माइनस का सिक्स यानी कि ट्वेल्व एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू यह आपका इन शॉर्ट एफ डैश एक्स हो गया ये आपका इन शॉर्ट एफ डैश एक्स हो गया अब कभी भी इस तरह की इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करें ठीक है हालांकि इसके लिए बच्चों को वेवी कर्व मेथड सिखाते हैं वेवी कर्व मेथड पे मैं एक अलग से आ, आपकी अलग से एक देखिए अब हमें क्या सॉल्व करना है फॉर इंक्रीजिंग फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन हमें क्या सॉल्व करना है दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो तो यानी कि हमें ट्वेल्व एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू ग्रेटर है, है ना? To solve this. यानि कि हाँ हमें इस inequality को सॉल्व करना है है ना? अभी अभी ये वाला बी वाला पार्ट भूल जाओ। तो अभी हमें इस inequality को सॉल्व करना है तो इस तरह की इन को है ना इस तरह की इनक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं वेवी कर्व मेथड अब ये वेवी कर्व मेथड क्या है यहां पर बताऊंगा तो बहुत लेंगदी हो जाएगा तो इसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे हालांकि वेविकर मेथड के अलावा इसको कैसे सोल्व करेंगे तो इसको कैसे सोल्व करते हैं बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे सबसे पहले आप ट्वेल्व इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो कर दीजिए अब देखिए ये क्वांटिटी जीरो कब होगा ये क्वांटिटी जीरो कब होगा बच्चों ट्वेल्व तो कभी भी जिंदगी में जीरो नहीं हो सकता एक्स माइनस थ्री जीरो हो सकता है कब जब एक्स की वैल्यू प्लस की थ्री रहेगी एक्स माइनस थ्री कब जीरो हो सकता है बच्चों जब एक्स की वैल्यू कहा रहेगी प्लस की थ्री रहेगी तो यानी कि ये जीरो हो सकता है x इक्वल टू थ्री पे ये भी जीरो हो सकता है कहां पे जहां पे x प्लस टू जीरो होगा तो यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का टू तो ये x इक्वल टू माइनस टू पे जीरो हो सकती है तो जब आप ये काम कर लेंगे जब आप ये काम कर लेंगे इतना काम सभी लोग कर लेंगे इतना काम सभी लोग कर लेंगे अच्छा जब इतना काम कर लेंगे तो इसको हटा दो अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखो अब आपके पास तीन हिस्से आ गए हैं एक ये हिस्सा एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा ठीक है ना अब आपके पास तीन हिस्से आ गए हैं अब आप इस, तीनों तीनों हिस्सों से कुछ कुछ नंबर उठा के यहाँ पे पुट करोगे जैसे तीन के राइट में चार बैठ गया तो आप चार पुट करने की कोशिश करोगे तो जब आप यहां पे एक्स की वैल्यू चार पुट करोगे तो चार माइनस तीन इंटू चार प्लस दो ग्रेटर देन जीरो ये बात सच्ची है तो इसका मतलब ये वाला इंटरवल भी सच्चा है ठीक है ना फिर आप इसके और इसके बीच में कोई नंबर लेके देखना लेट से जीरो तो अब आपने यहाँ पे जीरो देखा ट्वेल्व इंटू जीरो माइनस थ्री इंटू जीरो प्लस टू अब देखो बारह जोनी चौबीस या बहत्तर वो भी नेगेटिव का तो ये वाली बात तो सच्ची नहीं है तो इसलिए ये वाला इंटरवल भी सच्चा नहीं है फिर माइनस दो के लेफ्ट में कोई नंबर लेके देखेगा माइनस तीन तो बारह इंटू माइनस तीन माइनस तीन यानी कि माइनस का छ और माइनस तीन प्लस दो अब देखिए ये माइनस का वन हो जाएगा और ये माइनस का सिक्स तो प्लस का सिक्स तो ग्रेटर अगर आपने देख लिया तो आपको पता चल गया भैया कि मेरे तो इस बहुत ध्यान से देखिएगा मेरे तो इस हिस्से के नंबर सेटिसफाई कर रहे हैं इस इन इक्विलिटी को और इस हिस्से के नंबर भी सेटिस्फाई कर रहे हैं इस इन को तो यानी कि अब फाइनली आप क्या करेंगे बच्चों इसको हटा के क्या बोलेंगे कि इट एम्प्लॉयज इस इन को सेटिस्फाई करता हुआ एक्स कहां बिलोंग करेगा माइनस दो से छोटा यानी कि नेगेटिव इंफिनिटी से माइनस टू तक ठीक है यूनियन और यूनियन मतलब और तीन से बड़े नंबर ये इस तरीके से आपको क्या करना है बच्चों इन को सॉल्व करना है अच्छा अब अगर बहुत ही ध्यान से देखें स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखें स्टूडेंट्स सो तो यहीं पे हमारा एक और भी काम सॉल्व हो गया यानी कि बी पार्ट है ना तो यानी कि हमने इंटरवल निकाल दिया बच्चों यही इंटरवल है ये कौन सा इंटरवल है जिस पे फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग है जिस पे फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग है अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा हमसे उसने बी पार्ट में क्या कहा है बी पार्ट में क्या कहा है कि भैया ऐसा इंटरवल निकालो जिस पे फंक्शन क्या हो डिक्रीजिंग हो इन विच एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन विच एफ एक्स इज डिक्रीजिंग यही बोला था बच्चों हम क्वेश्चन निकालने के लिए अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा ऐसा इंटरवल जिस पे फंक्शन डिक्रीजिंग हो यानी कि फॉर डिक्रीजिंग क्या होना चाहिए एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होना चाहिए और एफडेक्स हमारा कितना है चेक कर लो एफ डैश एक्स हमारा कितना है ट्वेल्व इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू लेस देन जीरो होना चाहिए ठीक है अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो आप स्टूडेंट्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे जाहिर सी बात है इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे एक इंटरवल बनाएंगे और एक्स इक्वल टू माइनस टू पुट करेंगे एक्स इक्वल टू प्लस थ्री पुट करेंगे जब आप देखोगे यार इधर का कोई नंबर डाल के देखोगे तो इन इक्विलिटी सेटिस्फाई नहीं करेगी जब आप इधर का कोई नंबर डाल के देखोगे तो ये इन इक्विलिटी सेटिस नहीं करेगी जब आप इधर का कोई नंबर डाल के देखोगे तो ये इन सेटिस्फाई कर जाएगी है ना भाई आप जीरो देखो तो आप देखोगे बारह दोनों चौबीस माइनस बहत्तर वो लेस देन जीरो है तो ये सेटिस्फाई कर गई ठीक है ना तो इसका मतलब यहां पे आपकी इन इक्वलिटी सेटिस्फाई करेगी तो इसका मतलब ये इन इक्विलिटी कैसे दिखा आंसर इधर से हम लोग कैसे बोलेंगे हम लोग आंसर हम लोग बोलेंगे कि भैया इस इन को सेटिस्फाई करते हुए एक्स हमारा क्या होगा एक्स हमारा माइनस दो से लेके प्लस तीन तक होगा सो माइनस टू से प्लस थ्री हमने क्लोज इंटरवल क्यों नहीं लिया क्योंकि माइनस दो पे तो ये क्वांटिटी जीरो हो जा रही है ना हमको लेस देन जीरो के लिए सॉल्व करना है तो इसका मतलब क्या है हमको इक्वल टू जीरो नहीं करना लेस देन जीरो के लिए सॉल्व करना है तो इसलिए हमने माइनस दो को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि माइनस पे तो ये इक्विलिटी जीरो हो जाएगी है ना ये वाली क्वांटिटी जीरो हो जाएगी तो इसलिए एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू टू थ्री तो ये इज द इंटरवल फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन ये इंटरवल है फॉर डिक्रीजिंग एफेक्ट क्लियर है क्लियर है बच्चों तो फटाफट से नोट करिएगा फटाफट से नोट करिएगा बच्चों पॉज द वीडियो नोट इट डाउन बच्चों पॉज द वीडियो नोट इट डाउन अच्छा बच्चों अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं सो टेक्निकली बच्चों अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो ट्वेल्व इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू क्या है आपका एफ डैश एक्स है ठीक है ये जो आपने राइट का निशान लगाया है इसका मतलब क्या है राइट का निशान का मतलब क्या है कि इस जगह पे आपका ये जो एफ डैश एक्स था भैया ये जो क्वांटिटी है ये एफ डैश एक्स है ना आपके राइट का निशान लगाने का मतलब क्या था कि आपका जो एफ डेक्स है वो इंटरवल में और इस जगह भी राइट का निशान था इसका मतलब भी क्या है है कि आपका जो F -X है, वो greater than zero था इस इंटरवल में ठीक है और यहां पे ग्रेटर देन जीरो नहीं था अगर आप देखें तो यहां पर आपका ये जो इंटरवल है इस इंटरवल में एफडेक्स क्या था आपका लेस देन था। तो 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 अगर अगर आप आप बहुत ध्यान से देखें, तो हमने आप देखेंगे आंसर तो और एफ डैश एक्स ग्रेटरिटी से माइनस टू यूनियन थ्री टू इंफिनिटी ठीक है तो ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं कि यहां पे जो क्रॉस राइट और क्रॉस लगा रहे हैं ये बेसिकली एफ डैश एक्स की हम लोग देख रहे हैं कि ये जो क्वांटिटी है जो हमारी एफ डैश एक्स है वो लेस देन जीरो कहां है यहां है ठीक है ना तो इस पर्टिकुलर एरिया को हमने राइट right बोल दिया क्योंकि ये इससे रिलेटेड सेटिस्फैक्शन दे रहा था ठीक है ना तो ये भी आप एक बार को अपने दिमाग में नोट कर सकते हैं ठीक है स्टूडेंट्स क्लियर है बच्चों क्लियर है वेरी गुड बहुत बढ़िया बात है तो आइए Uh, इसके अलावा इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कर्व मेथड से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती हैं तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो हम लोग डाल देंगे बच्चों के लिए तो उसको उसके ऊपर चार पांच क्वेश्चन आप करोगे ना तो वो खटाक साफ कर दोगे बहुत सारे लोग कर्व ना अधूरा सीख लेते हैं तो फिर वो गलती करते हैं बहुत सारी जगहों पर तो हमें अधूरा नहीं सिखाना है ना आपको सीखना है अच्छे से सीखना है और अच्छे से ही लगाना है तो स्टूडेंट्स फिलहाल तो जो मेथड बताया है आपको उससे सॉल्व करेंगे आप क्वेश्चन बिफोर द स्टूडेंट्स प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन तो स्टूडेंट्स देखते हैं एग्जाम्पल नंबर ट्वेल्व सभी बच्चे एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेंगे वीडियो को पॉज करके तो कह रहे कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय एफ इक्वल्स टू साइन थ्री एक्स फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू साइन थ्री एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू फाइव बाई टू इज इंक्रीजिंग एंड बी डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया कि आप लोगों को नहीं आया फिर से पढ़ते हैं कह रहा फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग अगर इंटरवल पूछ रहा है तो ये क्या दिया है भाई ये क्या दिया है तो बेसिकली ये डोमेन दिया है आपको समझ रहे हो इंटरवल पूछा है और ये क्या है आपका डोमेन है फंक्शन आपका जीरो से पाई बाई टू में डिफाइंड है एक्स की वैल्यू जीरो से पाई बाई टू में डिफाइंड है आपसे इंटरवल पूछ रहा है सो so, इंक्रीजिंग के लिए सबसे पहले फॉर इंक्रीजिंग ऑफ द फंक्शन एफ डैश एक्स विल बी ग्रेटर देन जीरो तो एफ डैश एक्स क्या होगा भैया इट इज साइन थ्री एक्स का कॉस थ्री एक्स ठीक है ना और थ्री एक्स का थ्री ठीक है अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा जरा इसका एनालिसिस करते कि इस f'x की वैल्यू कब ग्रेटर देन 0 और कब आ, कब ग्रेटर देन 0 होगी ना बेसिकली हमको इंटरवल निकालना है ना वी हैव टू फाइंड द इंटरवल हमको इंक्रीजिंग के लिए क्या निकालना है इंटरवल निकालना है अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा x की वैल्यू क्या है भैया 0 से π/2 के बीच में x आपका 0 से π/2 के बीच में और अगर मैं बात करूं थ्री एक्स की ठीक है थ्री एक्स की देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा x आपका जीरो से पाई बाय टू के बीच में और मैं अगर थ्री एक्स की बात करूं तो जीरो से थ्री पाई बाय टू के बीच में होगा मतलब थ्री पाई टू तक सो बेसिकली अगर मैं आपको बात बताऊं तो जीरो से थ्री पाई बाय टू यही होगा थ्री पाई बाई टू यहां पे पाई होगा तो कहा होना पड़ेगा भैया कॉस थ्री एक्स को थ्री एक्स को बेसिकली यहां होना पड़ेगा है ना भैया अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें कि एक्स जीरो से पाई बाई टू तक है तो थ्री एक्स जीरो से थ्री पाई बाई टू तक होगा और कॉस थ्री एक्स सिर्फ पॉजिटिव होगा सिर्फ फर्स्ट पॉजिटिव होगा कहां हो जाएगा यहां पर फोर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो रखने के लिए हमारा जो थ्री एक्स है वो जीरो से पाए बाय टू होना चाहिए जीरो से पाई बाय टू होना चाहिए थ्री एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड इट शुड बी पाई बाई टू इट शुड बी लेस देन पाई बाई टू है ना थ्री एक्स को अगर पाई बाई टू लोगे तो क्या हो जाएगा ये कॉस पाए बाई टू जीरो हो जाएगा तो पाई बाई टू पर इसलिए हमने क्या रखा ओपन इंटरवल रखा है सो एक्स वुल बी जीरो अपॉइंट थ्री जीरो ही रहेगा एंड पाई बाई टू अपॉइंट थ्री यानी कि पाई बाई सिक्स हो जाएगा सो दिस इज फॉर इंक्रीजिंग है ना फॉर इंक्रीजिंग इंटरवल क्या आ गया हमारे पास जीरो से पाई फाइव नहीं आई बात समझ में है ना नहीं आई समझ में मैं थोड़ा फील कर पाता हूं बच्चों को कि नम नहीं आई है उनको समझ में ना? So, थीक है ना सो ठीक है एक काट करते हैं इसको फिर से करते हैं। फिर से करते हैं। फिर से करते हैं। फिर से करते फिर से करते दोबारा से करते दोबारा से करते हैं एक बार फिर से कराते हैं ठीक है फिर से देखना फंक्शन इंक्रीजिंग है उसके लिए इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल निकालना है ये इंटरवल नहीं दिया हुआ ये डोमेन दिया हुआ है बहुत ध्यान से देखेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए ग्रेटर देन होना चाहिए फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन होना चाहिए फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों इज का कॉस थ्री एक्स और थ्री एक्स का डेरिवेटिव थ्री ठीक है ना क्लियर है अब स्टूडेंट्स हमें देखना है कि फॉर इट्स ग्रेटर देन जीरो हमें ग्रेटर देन जीरो के लिए एक्स की वैल्यू निकालनी है चलिए जी बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा सबसे पहले बच्चों बात करते हैं x की वैल्यू उसने हमको क्या दे रखी है और हमें देखना है हमें देखना है एफडेक्स पॉजिटिव अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा ये पॉजिटिव है थ्री ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा हमें देखना है कि कॉस थ्री एक्स कहां होता है हमें देखना है कि एक्स तो जीरो से पाई बाय टू के बीच में है, तो थ्री एक्स क्या होगा इट विल बी ग्रेटर थ्री एक्स हमारा कहां से कहां तक हो गया बच्चों थ्री एक्स हमारा कहां से कहां तक हो गया बच्चों जीरो से लेके और थ्री पाई बाई टू तक ये जीरो है ये पाई बाय टू है ठीक है ना ये पाई है ये थ्री पाई भाई भाई टू और हमने ये क्या करा है ये 3X की, थ्री एक्स की वैल्यू है ये 3X की रेंज है। बेसिकली बहुत ध्यान से से देखो, x अगर के बीच पॉजिटिव होगा कॉस्ट थ्री एक्स यहां पर नेगेटिव हो, हो जाएगा और यहां पर भी नेगेटिव हो जाएगा यानी कि हमें क्या करना है कॉस्ट थ्री एक्स को पॉजिटिव रखते समय हमारा जो थ्री एक्स है वो क्या होना चाहिए जीरो से पाई बाई टू देखिए बहुत ध्यान से देखिए ये हमने थ्री एक्स की रेंज लिख रखी है जीरो से थ्री पाई टू तक तो क्या है थ्री एक्स है थ्री एक्स है तो यानी कि इसका मतलब कॉस थ्री एक्स को पॉजिटिव रखने के लिए यानी कि यानी कि इस पूरे डेरिवेटिव को ग्रेटर देन जीरो रखने के लिए हमारा जो थ्री एक्स है वो क्या होना चाहिए वो जीरो से पाए टू में होना चाहिए तो जीरो तो हो सकता है बट लेस देन पाई बाय टू इसलिए रहे हैं क्योंकि पाई फिर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा और हमें ये डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो चाहिए तो अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें बहुत ध्यान से तो थ्री को डिवाइड करेंगे तो जीरो जीरो एंड पाई बाई टू अपॉन थ्री इज पाई बाई सिक्स तो दिस इज द इंटरवल दिस इज द इंटरवल बच्चों दिस इज द इंटरवल जिसके अंदर आपका फंक्शन क्या हो जाएगा आपका फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा जीरो टू पाई बाय सिक्स क्लियर है बच्चों क्लियर है क्या जल्दी से बताइएगा नाउ अब वो हमसे डिक्रीजिंग का पूछ रहा है अब वो हमसे क्या पूछ रहा है डिक्रीजिंग का पूछ रहा है डिक्रीजिंग का भी निकाल देंगे बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे डिक्रीजिंग के लिए क्या करना पड़ेगा भैया फॉर डिक्रीजिंग अगर हमें इंटरवल निकालना है अगर हमें इंटरवल निकालना है तो बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे अगर हमें इंटरवल निकालना है तो एफ डैश एक्स को हम लोग लेस देन जीरो पुट करेंगे यानी कि एफ डैश एक्स कितना है बच्चों? इट इज आपका साइन थ्री एक्स का कॉस थ्री एक्स और थ्री एक्स का थ्री है ना एफ डैश एक्स इतना ही हो गया अच्छा बच्चों अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि भैया x का वैल्यू आपका जीरो से पाए बाय टू तक है और थ्री एक्स का वैल्यू आपका जीरो से थ्री पाए बाय टू तक है यानी कि थ्री एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है बच्चों? थ्री एक्स का वैल्यू आपका जीरो से लेके थ्री पाई बाय टू तक है जीरो से लेके थ्री पाई बाय टू तक है अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा <tune> बहुत ही ध्यान से समझिएगा हमने ये थ्री तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा अच्छा एफ डैच एक्स लेस देन जीरो रखने के लिए आपको क्या चाहिए कॉस थ्री एक्स नेगेटिव चाहिए अब देखिए यहां पे कॉस थ्री एक्स पॉजिटिव रहेगा आपका यहां पे कॉस थ्री एक्स आपका नेगेटिव रहेगा यहां पे Cos 3x आपका नेगेटिव रहेगा ठीक है ना तो यानी कि इट हम लोग क्या कहेंगे कि फॉर एफ थ्री एक्स क्या होना चाहिए इट शुड बी ग्रेटर देन पाई पाई बाय बाय से बड़ा होना चाहिए और लेस देन थ्री पाई बाय टू ठीक है थ्री पाई बाय टू इसलिए नहीं लेंगे थ्री एक्स की वैल्यू क्योंकि थ्री पाई बाय टू पे भी कॉस्ट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा सो so, इसलिए दोनों जगह ओपन इंटरवल रखे गए हैं तो एक्स विल बी ग्रेटर देन पाई बाय सिक्स तीन दो नीचे और इट इज पाई बाय टू

तो स्टूडेंट्स फटाफट से नोट करेंगे अब एक लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन में एंड देन वी आर गुड टू गो विद द इंक्रीजिंग द्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन राइट है स्टूडेंट्स चले आगे आगे बढ़े क्या चलिए बट उस पर जाने से पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले प्लीज स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन तो आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्टींथ इज द लास्ट एग्जाम्पल राइट है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज बाय एफ एक्स प्लस इंटरवल बताओ फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है ना तो जब इंक्रीजिंग है तो क्या इंटरवल होगा डिक्रीजिंग होगा तो क्या इंटरवल होगा इस फंक्शन की डोमेन आपको दे रखी है कि x की वैल्यू वो जीरो से दो पाई के समक्ष ले रहे हैं ठीक है अब स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं कि फॉर इंक्रीजिंग ठीक है फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन का डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर दैन जीरो सबसे पहले बात करते हैं कि एफ डैश एक्स कितना होगा इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो गया आपका माइनस साइन एक्स ठीक है अब कॉस एक्स माइनस साइन एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो मतलब आप समझ रहे हो Uh, मैं ये कहना चाह रहा चाहूं कॉसेक्स माइनस साइन एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो या फिर मैं कह सकता हूं कि कॉसेक्स माइनस साइन एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो है ना uh, अच्छा इसके लिए ना सबसे पहले आपको क्या कर देना चाहिए ग्रेटर देन जीरो निकालने से पहले भी सबसे पहले आपको क्रिटिकल है ना देखिए अब आपको ये सॉल्व करना है अब ये सॉल्व करने से पहले ना ये सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप क्या सॉल्व कर लो एफ डैश एक्स ग्रेटर एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो सॉल्व कर लो यानी कि इक्वालिटी सॉल्व करने से पहले आप इक्वालिटी सॉल्व कर लो यानी कि यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो क्रिटिकल पॉइंट point वो पॉइंट होते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो, है? हो जाता है cos sin कि अगर हम देखें तो टेन एक्स अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो कॉस एक्स बराबर साइन एक्स हो जाएगा एंड वी कैन से टेन एक्स बराबर वन अब देखिए टेन एक्स बराबर वन टेन एक्स वन कहां होता है टेन एक्स वन कहां होता है बच्चों कहां, कहां होता है बच्चों? टेन एक्स वन कहां होता है बच्चों? टेन पाई बाई फोर पे और टेन पाई प्लस पाई बाई फोर पे तो दीज आर क्रिटिकल पॉइंट दीज आर क्रिटिकल पॉइंट तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों पाई बाई फोर हो जाएगी पाई बाई फोर हो जाएगी और टेन पाई प्लस इज टेन थीटा तो यानी कि फाइव पाई बाई फोर हो जाएगी यानी कि अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो आपका जो x है वो जीरो से टू पाई के फ्रॉम जीरो से टू पाई है है ना? और अब आपको क्या मिल गया देखिए यहाँ पे पाई बाई फोर एक क्रिटिकल पॉइंट मिल गया यानी कि पाई बाई फोर वो पॉइंट है जहाँ पे एफ डैश एक्स जीरो है और फाइव पाई बाई फोर भी एक ऐसा पॉइंट मिल गया आपको जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है बच्चों जीरो है अच्छा अगर फाइव बाई फोर पे और फाइव का डेरिवेटिव जीरो है तो इसके तो 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 वैल्यू तो अब हम लोग बहुत ध्यान से देखते हैं बच्चों की हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए अब स्टूडेंट्स ये वही वाली बात हो गई जो हमने अभी पीछे क्वेश्चन किया था ना इंटरवल निकाल के तो अब हम क्या करेंगे अब हम लोग स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे हमने हमारा जो एवडेस्ट एक्स है वो कितना है बच्चों? इट इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ठीक है अब बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों फॉर फॉर एन फॉर फॉर एक्स बिलोंग्स टू अगर मैं इस इंटरवल से कोई एक्स ले रहा हूं है ना लेट्स से यहां पे पाई बाई सिक्स ले लिया एक्स इक्वल टू फाइव पे क्या होगा cost 30, cost F -X की वैल्यू कितनी हो जाएगी? और तो पे इसका मतलब हमारा क्या है बच्चों पॉजिटिव है पॉजिटिव है यानी कि ग्रेटर देन जीरो से कोई चीज लेंगे यानी कि लेट से पाई बाई टू ले लेते हैं तो फॉर एक्स इज इक्व टू पाई बाई टू आपका एफ डैश एक्स कितना बच्चों बहुत से देखेंगे इट इज ठीक है तो अब क्या करना है बच्चों x की वैल्यू कितनी रह रखनी है हमें पाई बाई टू तो कॉस 90 की वैल्यू तो कितनी हो जाती है बच्चों जीरो और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों

ग्रेटर देन जीरो जीरो की तो बात की बात है हमने पहले क्या करा क्रिटिकल पॉइंट निकाले यानी कि वो एफ डैश एक्स के वो वैल्यूज निकाले जहां पे एफ डैश एक्स के वो वैल्यूज निकाले जहां पे वो जीरो होते हैं यानी कि हमने एक्स की वो वैल्यूज निकाली जहां पे आपका एफ डैश एक्स क्या हो जाता है जीरो हो जाता है एक बार हमको ये पता चल गया कि यार ये पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे एफ डैश एक्स जीरो होगा तो यानी कि इनके लेफ्ट और राइट right में एफ डैश एक्स लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो ही होगा ठीक है ना तो अब स्टूडेंट्स हमने क्या किया हमने इनके लेफ्ट में का साइन चेक करके देखा इसके राइट right में का साइन चेक करके देखा अब अब हमने देखा कि यार इधर का कुछ ले लेते हैं तो इधर का कुछ लेने के लिए हमने क्या किया टू पाई माइनस पाई बाई सिक्स है ना तो यानी कि टू पाई माइनस पाई बाई सिक्स ले लेते हैं है ना दिस टू पाई माइनस पाई बाई सिक्स ठीक है देखिए ना इसके और इसके बीच में फाइव पाई बाय फोर के और टू पाई के बीच में अगर मैं कुछ निकालना चाहता हूं तो बेसिकली क्या हो जाएगा फाय uh, बाई फोर फाइव बाई फोर फाइव बाई फोर बेसिकली थ्री पाई बाय टू भी ले सकता हूँ थ्री पाई बाई टू भी ले सकता हूँ देखिए अगर बहुत ध्यान से देखेंगे आप तो अगर आप बात ध्यान से देखेंगे ये पाई बाय फोर होता है ये टू पाई बाय फोर ये थ्री पाई बाय फोर ये फोर पाई बाय फोर ये फाइव पाई बाय फोर तो फाइव पाई बाय फोर का यहाँ आपका यहाँ पड़ता है तो मैं फाइव पाई बाय फोर और टू पाई के बीच में क्या भी ले सकता हूँ थ्री पाई बाय टू भी ले सकता हूँ तो अगर मैं x इक्वल टू थ्री पाई बाय टू रख के देखूंगा एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा बच्चों मेरे पास बहुत ध्यान से देखेंगे एफ डैश एक्स कितना होता है बच्चों हमारे पास जीरो और साइन थ्री पाई बाई टू माइनस का वन तो इट इज प्लस का वन हो जाएगा इट इज ग्रेटर देन जीरो सो एफ डैश एक्स यहाँ पे क्या हो रहा है भैया ग्रेटर देन जीरो हो रहा है एक बार हमने ये फिगर सॉल्व कर ली बच्चों फिर हम बता सकते हैं फिर हम बता सकते हैं क्या बता सकते हैं बच्चों फिर हम बता सकते हैं कि फिर हम बता सकते हैं कि कि भैया फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर इंक्रीजिंग इंटरवल क्या है एक्स विल बिलोंग्स टू जीरो टू पाई बाई फोर है ना सो जीरो अच्छा जीरो यहां पे ऑलरेडी इंक्लूडेड था सो एफ डैश एक्स जो है उसकी वैल्यू हम लोग क्या लेंगे बच्चों जीरो टू पाई बाय फोर ठीक है यूनियन फाइव पाई बाय फोर टू टू पाई यूनियन फाइव पाई बाय फोर टू टू पाई ठीक है एंड फॉर एक्स एंड फॉर डिक्रीजिंग फॉर डिक्रीजिंग एक्स विल बिलोंग्स टू पाई बाय फोर से फाइव पाई बाय फोर पाई बाय फोर से फाइव पाई बाय फोर ठीक है बच्चों क्लियर है क्या क्लियर है क्या भैया जल्दी से बोलिए ठीक है तो अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपका जो एफ डैश एक्स है वो जीरो कहां पे हो रहा है यहां पे और यहां पे और फोर एक्स की अगर मैं बात करूं अगर आप बहुत ध्यान से देखिएगा तो एक्स की हमने जीरो का क्लोज इंटरवल क्यों रखा है क्योंकि देखो फाइव बाई फोर पर तो इक्वल टू जीरो हो जाएगा. लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो रख दूं तो कॉस जीरो वन और साइन जीरो जीरो ग्रेटर देन जीरो हो रहा है

यहां पे फोर और पाई पाई फोर पे और हो रहे थे इसलिए हमें इंक्रीजिंग के लिए इनको जीरो नहीं रखना है हमने इसको हटा दिया हमने इंक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन रखी है हमने इंक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन रखी है एवडेस एक्स ग्रेटर देन जीरो हम लोग इंक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन रख रहे हैं तो एवडेशन जीरो क्योंकि वहां पर एफडेक्स जीरो

और जैसा भी आपको लेक्चर लगा होगा, प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइएगा सो so दैट कुछ अगर रह जाए तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी आ, इंक्लूड करने की कोशिश करें बाकी स्टूडेंट्स के लेक्चर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में सी बी सी क्लास ऐप का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आप सी बी सी क्लास ऐप डाउनलोड करके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर इसके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर